सत श्रीकाल, मैं डॉक्टर दीपिंदर कौर, मैडिकल अफसर, राज में स्थापित कोविड कंट्रोल रूम की मैंबर हाँ। राज में कोरोना वायरस की स्थिति में निजिठण लिए राज सरकार दी कोशिशों बारे जानकारी तुहाडे नाल सांझे करते हुए अज 139 दिन हो चुके हैं। विश्व भर में इस महामारी ने लगभग 1,95,74,481 लोगों को संक्रमित किया है और 7,24,732 लोगों की मौत का कारण बनया है, पर 1,25,68,981 लोग ठीक भी हो चुके हैं। भारत में इस महामारी ने 20,91,810 लोगों को संक्रमित किया है, जिस 42,626 मौत शामिल हैं, पर लगभग 14,29,318 लोग इस महामारी तो पूरी तरह ठीक हो गए हैं। सूबे में वायरस के फैलाव को रोकने राज सरकार ने टेस्ट लिए 6,59,284 नमूने लैब भेजे हैं, जिन्हों में अज तक 22,928 नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि कल की गिनती 998 वध हैं। बदकिस्मती नाल हुण तक राज विच 562 लोगों की मौत हो चुकी है, 26 मरीज वेंटीलेटर सपोर्ट ते हैं, 123 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट ते हैं, पर लगभग 14,860 लोग इस महामारी नूं हरा के अते पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। हुण राज विच एक्टिव केसां की गिनती 7,506 है। अनलॉक तीन लई राज सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार राज विच सारे योगा इंस्टीट्यूट्स अते जिमनेजियम 5 अगस्त तो खोले गए हैं, जिस दे लई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारत सरकार द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी किए गए हैं, जिन्हों की इन्हों सख्ती नाल पालना करनी होगी। पर स्कूल, कॉलेज, विद्यक अते कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजक पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असैम्बली हॉल अते इस तरह दीयां सारीयां थावां अनलॉक तीन दौरान बंद रहणगियां। MHA द्वारा आग्ञा वाली उड़ानों को छोड़ के बाकी सारिया अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ानों उत्ते पाबंदी रहेगी। घरेलू हवाई यात्रा, रेल द्वारा यात्रा अते बसों द्वारा आवाजाही राज विच जारी रहेगी, पर अंतरराज्यी यात्रियों लिए कोवा ऐप अते सेल्फ जनरेटेड पास की वरतों लाजमी होगी। रात का करफ्यू रात 11 बजे तो लैके सवेर के 5 बजे तक पूरे राज विच लागू किया गया है, पर लुधियाना, जलंधर अते पटियाला की मौजूदा स्थिति नूं देखदे होए इन्हां शहरां विच रात दा करफ्यू राती 9 बजे तो लैके सवेर दे 5 बजे तक जारी रहेगा। रात दे करफ्यू दौरान सारियां गैर जरूरी गतिविधियां लई व्यक्तियां दी आवाजाही वर्जित रहेगी। 65 साल तो वध उम्र दे व्यक्ति, 10 साल तो घट उम्र दे बच्चे, सह रोग वाले व्यक्तियां अते गर्भवती औरतां नूं घर विच ही रहण दी सलाह दित्ती जांदी है। ब्याह संबंधी इकट्ठा विच मेहमानों की गिनती 30 तो वध नहीं होनी चाहिए, जदों कि अंतिम संस्कार समय व्यक्तियों की गिनती 20 तो वध नहीं होनी चाहिए। जनतक थावां ते थुकना पूरी तरह वर्जित है और जुर्माने नाल सजा योग है। अनलॉक तीन दौरान धार्मिक स्थान केवल सवेरे 5 बजे तो रात के 8 बजे तक खुले रहेंगे। पूजा के समय व्यक्तियों की गिनती 20 तो वध नहीं होनी चाहिए। प्रसाद और लंगर वरताए जा सकेंगे। सारिया दुकाना शहरी अते देहाती खेतरां विच सवेरे 7 बजे तो रात के 8 बजे तक खुलिया रहनगियां। हालांकि मुख्य बाजारां, मार्केट कंपलैक्स, रेहड़ी बाजारां अते होर भीड़ भाड़ वालियां थावां ते स्थित दुकानों लई जिला प्रशासन स्थिति मुताबक कोई भी रोक लगा सकता है। ऐतवार नूं जरूरी वस्तुआं नाल संबंधित दुकानां रात 8 बजे तक खुलियां रहनगियां, पर होर दुकानां ऐतवार नूं बंद रहनगियां। सेहत विभाग के SOP के अनुसार स्पोर्ट्स कंपलैक्स, स्टेडियम अते जनतक पार्कों बिना किसी दर्शकों के सवेरे 5 बजे तो शाम के 8 बजे के विचकार खोलने की आज्ञा है। सारिया गतिविधियों लिए घट्टो घट 6 फुट की समाजिक दूरी हमेशा बनाई रखी जाए और जनतक थावां समेत सारिया थावां ते लोगों द्वारा मास्क पहनने लाजमी हैं। इन्हां दिशा निर्देशों की कोई भी उलंघना सजा योग होगी। अंत विच तुहानूं सारिआं नूं बेनती है कि सरकार द्वारा समय समय से जारी किए जाते इन्हां दिशा निर्देशों की सख्ती नाल पालना करो। मिशन फतेह नूं कामयाब बनाओ। सेहतमंद रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।